पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना के हमले के बाद जम्मू कश्मीर से लगने वाली LOC पर कई जगह गोलीबारी, 5 भारतीय जवान जख्मी, 4 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत। बालाकोट हमले के बाद LOC के आसपास सभी स्कूल बंद। पश्चिमी नौसेना के अलावा पंजाब, राजस्थान और गुजरात हाई अलर्ट पर। दिल्ली, मुंबई जैसे 5 शहर भी अगले 72 घंटे के लिए हाई अलर्ट पर। वायुसेना की कार्रवाई को पाकिस्तान ने नकारा। पाकिस्तानी सेना ने कहा, भारत तैयार रहे, पाकिस्तान चौंकाने वाला जवाब देगा। वायुसेना की कार्रवाई के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव आंतोनियो गुतरेश ने भारत पाकिस्तान से संयम बरतने के लिए कहा। सैन्य कार्रवाई की आशंका को टालने और आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से बात की। NIA ने श्रीनगर में मीरवाइज उमर फारूक समेत 7 अलगाववादी नेताओं के घर छापेमारी की। वित्तीय लेनदेन से जुड़े कागजात जब्त। सुप्रीम कोर्ट ने MM कलबुर्गी हत्याकांड की जांच कर्नाटक पुलिस की SIT को सौंपी। कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ जांच की निगरानी करेगी। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए आज कांग्रेस समेत सभी प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक। वामपंथी दल बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ बैठक करने के लिए वियतनाम पहुंचे।